मेरा नाम नीलोफर खान है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको कटिंग और स्टाइलिंग में काम आने वाली चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ड्रेपर की आवश्यकता होती है। जब भी कोई पैटर्न हमारे पास बालों की कटिंग करवाने आता है, उसको सबसे पहले सेलिंचर पर बैठाया जाता है आरामदायक स्थिति में। उसके बाद उसको ड्रेपर से ड्रेप किया जाता है। ड्रेप करने का मकसद ये होता है कि जब हम कटिंग करते हैं बालों की, तो उसमें जो बाल गिरते हैं और बालों को जो गीला करते हैं, तो उसकी वजह से पैटर्न के कपड़े गीले ना हो जाएं, उससे बचने के लिए ड्रेपर लगाया जाता है। उसके बाद बालों में कॉम किया जाता है। कॉम कई तरह के होते हैं। ये है ब्रॉड टीथ कॉम, जिसके चौड़े दांत होते हैं। जो ज़्यादा बाल उलझे हुए होते हैं, उसके लिए इस कॉम को काम में लिया जाता है। ये है बार्बर कॉम, इसको कटिंग के लिए काम में लिया जाता है। ये टेल कॉम, इसको वैसे तो कटिंग में काम में लिया जाता है, लेकिन सेक्शनिंग करने के लिए भी इसको स्पेशली काम में लिया जाता है। इसकी टेल की वजह से बालों की सेक्शनिंग आसानी से हो जाती है। कॉम का इस्तेमाल करने के बाद हमें स्प्रे बोतल की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें बालों को, जब भी हम कटिंग करते हैं तो उनको बालों को गीला होना बहुत आवश्यक है, तभी हमारी कटिंग अच्छी तरह से हो पाती है। इसके लिए स्प्रे बोतल की आवश्यकता होती है। स्प्रे बोतल जब भी हम लें, उसकी नोज़ल को अच्छी तरह से चेक कर लें कि उसमें स्प्रे अच्छी तरह से हो रहा है नहीं। ये जो मेरे पास जो बोतल है, इसमें अच्छी तरह से स्प्रे हो रहा है। कभी कभी इसमें से एक ही धार निकलती है, उससे बालों पूरे अच्छी तरह से गीले नहीं हो पाते हैं। इसलिए जब भी बोतल ख़रीदें, अच्छी तरह से देख कर ख़रीदें, और जब कटिंग हो जाए पूरी, तो इसके पानी को निकाल कर अलग रख दें। बालों को अच्छी तरह गीला करने के बाद हम सेक्शनिंग करते हैं। इसके लिए टेल कॉम और सेक्शन पिन की आवश्यकता होती है। इसके छोटे छोटे सेक्शन जो हम बनाते हैं, उसमें इन पिन से उनको होल्ड किया जाता है। बालों की सेक्शनिंग पूरी होने के बाद हमें सीज़र की आवश्यकता होती है। ये इस तरह से होती हैं सीज़र। ये कई तरह की मिलती हैं, अलग अलग रेंज में मिलती हैं, अलग अलग क्वालिटी में मिलती हैं। तो सबसे अच्छी बेस्ट सीज़र हो, वही आपको कटिंग के लिए ख़रीदनी चाहिए। जब कुछ तरह की कटिंग इस तरह की होती हैं कि वो बालों को शोल्डर से ऊपर तक की होती हैं, जैसे है बोए कट है, ब्लंट कट है, इस तरह की कटिंग करते समय हमें डस्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये है डस्टिंग ब्रश। इसके अंदर यहाँ से टेलकम पाउडर डाला जाता है। इसको बंद कर देते हैं, फिर इससे बालों को इस तरह से, जहाँ भी बाल गिरे हैं उनको इस तरह से साफ किया जाता है। अब मैं आपको स्टाइलिंग में काम आने वाली चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले है कॉम, इससे बालों को अच्छे से सुलझाया जाता है। उसके बाद कुछ हेयर पिंस की आवश्यकता होती है, जो अलग अलग तरह की होती हैं। यहाँ पर कुछ पिंस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये है जूड़ा पिंस, ये अलग अलग साइज़ में आती है। ये इसका जो साइज़ है, ये सबसे बड़ा साइज़ है। इसके बाद है ये वाली, ये है इस मीडियम साइज़ की हैं। जिनके ज़्यादा हैवी बाल होते हैं, उनके बड़ी वाली जूड़ा पिंस लगाई जाती है, और जिनके कम होते हैं उनके लिए ये वाली जूड़ा पिंस काम में आ जाती है। उसके बाद है इनविजिबल पिन। इनविजिबल जैसे कि इसका नाम से ही विदित है कि ये लगाने के बाद दिखाई नहीं देती हैं। ये ऐसे बालों ऐसी जगह पर लगाई जाती हैं, जहाँ पर जब पूरी स्टाइल बन जाती है, उसके बाद जब छोटे छोटे बाल दिखते हैं, उनको अंदर करने के लिए इनविजिबल पिन। ये बहुत ही बारीक होती हैं, साइज़ में बहुत छोटी होती हैं। इनको छोटे छोटे एरिए में लगाया जाता है, जिससे ये दिखाई नहीं देती हैं। इसके बाद है ये सिंपल पिंस होती हैं। ये भी अलग अलग साइज़ में मिलती हैं। ये इसका सबसे बड़ा साइज़ है। इसके बाद आता है ये इससे छोटा। इसके बाद एक साइज़ और आता है, वो सबसे स्मॉल साइज़ होता है। उसके बाद ये आती है बॉब पिन। इसके बाद है ये बॉब पिन। ये इस तरह की होती है। ये एकदम प्लेन ना होकर बीच में से इसमें छोटे छोटे कर्व होते हैं। ये मैं आप ये बॉब पिन, ये अलग से मैं आपको दिखा रही हूँ। एक पिन ये इस तरह की होती है, इसमें ये कर्व होता है, इस तरह की ये दिखती है। इसके बाद है जब स्टाइल बन जाती है, तो उसको डेकोरेट किया जाता है। इसके लिए कई तरह की डेकोरेटिव आर्टिकल मार्केट में मिलते हैं, जिसमें से मैं कुछ आपको दिखाने जा रही हूँ। ये है, ये जूड़ा पिंस हैं,
इनको चोटी और जूड़े दोनों में ही लगाया जाता है। ये फ्लोवर्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये है सिंपल जूड़ा, अगर हमें सिंपल जूड़ा लगाना है तो इस तरह से ये लगा सकते हैं। आजकल ये रेडीमेड मिलते हैं, ये इस तरह का आता है, ये डिज़ाइनिंग जूड़ा है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है ये फिलर्स, इस तरह के होते हैं बने हुए, इनको छोटा बड़ा अलग अलग साइज़ में बना, जब हमें स्टाइल देना है तो उनको अगर उभार देना है तो उनके अंदर बालों को फुलाने के लिए इनको अंदर की तरफ रखा जाता है, ये इनको फिलर के नाम से जाना जाता है। फिर यह है चोटी, इसको भी हम अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कई तरह की चोटी आती हैं, सिंपल भी आती है, डेकोरेटिव भी आती है।